गोविंद का सदा लीजे नाम गोविंद का सदा लीजे हालत सुख नित सुख सिमरनो हालत कहिंदे ने इस जहान पलत कहिंदे ने उस जहान दोनों जहान दे सुख साहिब कहिंदे तेरी झोली च बह जाणगे। बंदा इस जहान दे सुख मंगदा ना, इस जहान दे सुख साहिब कहिंदे ओ जहान दे भी मिल जाणगे नी, उधर दे भी मिल जाणगे नी। जिवें इत्थे गुरु नानक दी गोदी माणदा उत्थे भी गोदी माणेगा, जिवें इत्थे आनंद खेड़े शांति च उधर भी आनंद खेड़े शांति च। हालत सुख पलत सुख साहिब कहिंदे इक काम कर, नित सुख तेरी झोली च पै जाएगा। नित सुख इन एक गारंटी दे रहे ने साहिब, नित सुख तेरा मन सुखी हो जाएगा, खिड़ जाएगा। कितना ही दुख तेरे जीवन च आए पर नहीं तेरे मन नू ओ दुखी नहीं कर सकेगा। खो सतनाम सच श्री अकाल नहीं दुखी कर सकेगा। कैसियां परिस्थितियां क्यों ना हो, सर्कमस्टांसेस कैसे क्यों ना हो, अंदर दी स्थिरता बनी रहेगी, अंदर दा टका बनिया रहेगा, डोलेगा नहीं बंदा। को साधना हालत सुख पलत सुख नित सुख बस इको काम कर साहिब कहिंदे। जे नित सुख चाहिदा, हालत दा सुख चाहिदा, पलत दा सुख चाहिदा, कुछ भी चाहिदा साहिब कहिंदे इक काम कर सिमरन। आखो साधना This is the medicine of every disease. Every disease. Sarv rog ka aukhad naam. Sarv rog ka aukhad naam. Har disease edi medicine hai sat sangat naam. Simran us parmeshwar de naam de vich utar jana. फिर साहिब कहिंदे ने नाम गोविंद का सदा लीजे। हुण ये समझाउणा कीता है, पहले बरकत दसी है, पहले एक वडियाई दसी है सिमरन दी, नाम दी, कि जे नाम जपेगा तो हालत दे सुख नहीं, माया वल्लों तोट नहीं आण देणगे मेरे वाहेगुरु, घर च सुख शांति वालों तोट नहीं आण देणगे मेरे वाहेगुरु, रुतबे वालों कोई तोट नहीं आण देणगे मेरे वाहेगुरु,
हालत दे सुख ने यही सुख होंगे ने जी होर की बंदा यही सुख मंगता एक है पलत दे सुख साहिब कहिंदे ओ भी दित्ता ओ भी मिलेगा नित सुख ओ भी पर काम कर सिमरन नाल लग जा जुड़ जा सिमरन दे नाल हुण समझाउणा कीता कि नाम गोविंद का सदा कहिंदे मेरे बचिया जिस नाम दे करके इन्निया बरकतां ने पहले वड़ियाई दसी फिर कह दिता कि जिस नाम दे करके जिस सिमरन दे करके इन्निया बरकतां ने मेरे बचिया तू रोज जपी तू सदा ही जपी आखो सतनाम नाम गोविंद का सदा लीजे मिटे कमाने पाप चीरण चीरे जाणगे तेरे पाप सारे साध संगत मिल आ वड़ियाई दसी है साध संगत दी साध संगत मिल मुआ जीजे ओ मरिया होया भी इत्थे जींदा हो जांदा है असंगत जी आके इहदा मतलब की है जिहदी जमीर मर चुकी है जिहदियां आदतां इन्नियां माड़ियां कि उहदी जमीर नूं खा गई है खत्म हो गई उहदी जमीर साहिब कहिंदे इत्थे जमीरां जागदियां ने जिन्हां दी जमीरां जागदियां ने उन्हां दे तकदीरां जागदियां ने आखो सतनाम इह सच है जीण दा चज नहीं सी पर जदों दी संगत मिली जीणा आ गया जीणा खुश रहण दी कला नहीं सी मेरे कोल जदों दी संगत मिली खुश रहना आ गया आखो सतनाम हर वेले मुरझाया रहिंदा सी झूरिया रहिंदा सी ओह जदों दी संगत मिली खिड़िया रहिंदा आनंद च स्वाद आ गया जीवन जीण दा स्वाद आ गया अगे जीवन दे विच शिकवे हुंदे सन जीवन तो हर वेले मैनू शिकवा रहिंदा सी आ नहीं आ नहीं आ नहीं हुण जीवन नूं माणदा पिया आखो सतनाम माणदा पिया यह है संगत दा फल कई ऐसे कमेंट साध संगत तुसी पढ़ लिया जिन्हां नूं जीवन मिलिया है संगत विचों उह नीचे कमेंट लिखदे ने कि जी पहले असी इदां हुण गुरु नानक ने इन्नी कृपा करती जदों दी संगत मिली है जदों दा अमृत वेला मिलिया है गुरु नानक दी आ कृपा 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 ना होवे ते होर की होवे सा संगत जी मैं एक गल कहिंदा झोलियां छोटियां पै जाणगियां तुहाडियां झोलियां छोटियां पै जाणगियां इन्नियां दातां गुरु नानक इन्नी बरकत इन्नी रहमत तुहाडे ते गुरु नानक वरसाणगे अमृत वेला सांभ लो पक्का करो अमृत वेला पक्का ये दरगाही वेला है ये दरगाही वेला है अकाली बई नूं गुरमुख प्यारे दस रहे सन इत्थे बैठे कुहाड़े तों आए इत्थे नेड़े ही कुहाड़ा वी 25 मिंट दा सफर है और मैं हैरान हो गया वह गड्डी आंदे कहिंदे जी रोज हुण संगत दे दर्शन करन लई इत्थे आ वी 25 मिंट दा सफर है ते सानू आपां जिहड़े लुधियाणे दी संगत सानू इत्थे आंदियां नूं औखियाई हुंदी है आखो सतनाम ते मैं हैरान सी और सच कहां वाहिगुरु होमे तों बचाण मैं उस वेले सुरती राहीं इहनां दे चरणां च मैं नमस्कार कीती इहनां गुरमुखां दे क्योंकि जिन्हां नूं खिच है जिन्हां नूं अमृत वेला संभालण दी खिच है ना गुरु नानक झोलियां भी फिर उहनां दीआं भरदे ने मैनूं कहिंदे जी मैं बैठे ने सामने ही बैठे पुछ लिओ कहिंदे जदों दा अमृत वेला मैनूं मिलिआ गुरु नानक कृपा कर रहे ने मैं अगे ही अगे वध रहा हां आखो सतनाम मैं कह वेखी जाओ कित्थे पहुंचदे हो बस अमृत वेला सांभ लिओ
तू अमृत वेला ना छड़ बंदिया गुरु नानक तेरी बाणी छड़न गए। ये धन धन बाबा नंद सिंह जी वचन करिया करदे सन। ओए सिखा तू नितनेम दा पल्ला ना छड़ी, तू अमृत वेला बंदगी दा पल्ला ना छड़ी, गुरु नानक तेरी बाणी छड़न गए। सांभ लैण गए जिदी बाह गुरु नानक दे हाथ च आ गई भाई ओ सांभे आ गया, ओ सवारे आ गया, ओ शिंगारे आ गया। सब कुछ ले जांदा है, सब कुछ ले जांदा है जिन्हों गुरु नानक सांभ लेना को सतना। सत श्री अकाल। पर इस सारी बरकत अमृत वेले बंदगी तो आखो साधना वाहेगुरु। बंदगी तो करमा वाले जुड़ो, इन्ने पक्के होके जुड़ो, इन्ने पक्के होके जुड़ो। तुसी किसी नूं नहीं भी बोलो ना तुहानू वेख के टुटिया जुड़ जावे आखो साधना वाहेगुरु। ओ तुहानू वेख के टुटिया जुड़ जावे, तुहानू वेख वेख किरदार ही सिख दा ऐसा होवे, बंदे दा किरदार ही ऐसा होवे, बंदा दूसरा बंदा कहे यार इहदे वर्गा ही बनना आखो साधना इहदे वर्गा ही बनना। तुहाडा किरदार तुहाडी डेफिनेशन देवे, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਚ ਆਣ ਬਹਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੂਆ ਜੀਜੈ, ਮੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜੀਜੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਆ ਜੀ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੋ ਉਹ ਕਰਮਾ ਵਾਲਿਓ, 2-4-5 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੁੰਨ ਹੋਰ ਵਧਾਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂ? ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਦੋ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਦੋ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਇਧਰੋਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੇਕੀ ਕਰ ਖੋ ਮੇਡਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਮੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 15 ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਮੈਂ 20 ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਮੈਂ 50 ਨੂੰ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਇਹ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੱਚ ਜੀ।